आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में सबसे बेहतरीन और पॉपुलर सुपर कार कौन कौन सी है, उनके बारे में ही बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। बेंटली कॉन्टिनेंटल जीटी। कॉन्टिनेंटल जीटी एक लग्जरी गाड़ी है। गाड़ी एक बेहतरीन दिखने वाली गाड़ी है, साथ ही साथ इसका इंटीरियर बहुत खूबसूरत है। ये कार आपको सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है। इसमें आपको 5998 यानी 5998 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 626 bhp और 900 nm टॉर्क को जनरेट करता है। गाड़ी का माइलेज है 10 km/h का और कार की टॉप स्पीड है 318 किलोमीटर प्रति घंटा की। बात करते हैं कार की कीमत की। कार की कीमत है 3,57,00,000 रुपये की। एस्टन मार्टिन DB11। मार्टिन DB11 एक 4-सीटर कॉप कार है। ये कार एक ऐसी कार है जिस पर कस्टमर कुछ भी कस्टमाइजेशन करा सकता है इंटीरियर और एक्सटीरियर पर। इसमें आपको 5198 यानी 5198 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 600 bhp और 700 nm टॉर्क को जनरेट करता है। गाड़ी का माइलेज है 6 km/h का और टॉप स्पीड 312 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब बात करते हैं कार की कीमत की। तो कार की कीमत है 3,97,00,000 रुपए की। लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर। एवेंटाडोर एक सबसे बेहतरीन सुपरकार मानी जाती है। ये गाड़ी एक बहुत पॉपुलर गाड़ी है। ये कार 2-सीटर कॉप कार है। इसमें आपको 6498 यानी 6,498 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 770 bhp और 720 nm टॉर्क को जनरेट करता है। गाड़ी का माइलेज है 7.69 km/h का और टॉप स्पीड 351 किलोमीटर प्रति घंटा की। और कार की कीमत शुरू होती है 5 crore से लेकर 6,25,00,000 तक। फरारी 812 सुपर फास्ट। फरारी 812 सुपर फास्ट एक 2-सीटर कोप कार है। इसमें आपको 6496 यानी 6,496 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 788 bhp और 718 nm टॉर्क को जनरेट करता है। गाड़ी का माइलेज है 6.7 km/h का और कार की टॉप स्पीड है 340 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब बात करते हैं कार की कीमत की। तो कार की कीमत है 5,20,00,000 रुपए की। निसान GTR। GTR को लोग गॉडज़िला भी कहते हैं। ये गाड़ी एक बहुत बेहतरीन और लाजवाब गाड़ी है। ये गाड़ी परफॉर्मेंस में बहुत लाजवाब है। इसमें आपको 3798 यानी 3798 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 562 bhp और 637 nm टॉर्क को जनरेट करता है। गाड़ी का माइलेज है 9 km/h का और टॉप स्पीड 315 किलोमीटर प्रति घंटा की यानी 315 किलोमीटर प्रति घंटा की। कार की कीमत शुरू होती है 2,12,00,000 रुपए से। लैम्बोर्गिनी हुरेकैन। हुरेकैन एक इटालियन सुपरकार है। ये कार आपको कोप कन्वर्टिबल रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव जैसे ऑप्शन में मिलती है। लैम्बोर्गिनी की हुरेकैन अब तक की सबसे सक्सेसफुल कार है और ये गाड़ी सबसे ज़्यादा बिकती है लैम्बोर्गिनी की। इसमें आपको 5204 यानी 5204 सीसी का पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर 640 bhp की और 600 nm का टॉर्क है। गाड़ी का माइलेज है 11.24 km/h का। इस कार की टॉप स्पीड है 325 किलोमीटर प्रति घंटा की और कीमत है 2,99,00,000 रुपए से लेके 3,97,00,000 रुपए तक। फरारी 488। फरारी 488 एक मॉडर्न और टर्बोचार्ज्ड गाड़ी है। ये गाड़ी पावरफुल और बेहतरीन कार है। इस गाड़ी में आपको 3902 यानी 3902 सीसी का पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर है 660 bhp की और 760 nm का टॉर्क है। और कार का माइलेज है 7.75 km/h का। अब बात करते हैं कार की टॉप स्पीड की। तो ये 330 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है और कार की कीमत है 4,40,00,000 रुपये की। मर्सिडीज बेंज AMG GT। बेंज AMG GT एक कन्वर्टिबल कार है। ये कार सक्सेसर है बेंज SLC AMG का। मर्सिडीज बेंज AMG GT में आपको एक इंजन का ऑप्शन मिलता है, जो कि है 3982 यानी 3982 सीसी का पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर है
469 bhp की और 630 nm का टॉर्क है। गाड़ी का माइलेज है 12.65 kmpl का और टॉप स्पीड 318 किलोमीटर प्रति घंटा की। कार की कीमत शुरू होती है 2,27,00,000 रुपए से लेके 2,32,00,000 तक। ऑडी R8 को लॉन्च करा गया था 2006 में। R8 एक टू सीटर कोप कार है। ये कार सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन में मिलती है, जो कि 5204 यानी 5204 सीसी का पेट्रोल इंजन है, जिसकी पावर 602 bhp की और टॉर्क है 560 nm का। कार का माइलेज है 17.5 kmpl का और टॉप स्पीड है 330 किलोमीटर प्रति घंटा की। अब बात करते हैं कार की कीमत की, तो कार की कीमत है 2,72,00,000 रुपए की। तो ये हैं 9 वो कारें जो सुपर कारों में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। आपके हिसाब से कौन सी कार ज़्यादा फेमस है, या कोई ऐसी कार है जो इस लिस्ट में नहीं है और आपको पता है कि वो फेमस है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।